हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इस वक्त कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर उपाय है वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन को लेकर शिकायत और सियासत दोनों शुरू हो चुकी है। आज से दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण बंद हो गया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि भारत बायोटेक ने उन्हें कोवैक्सीन देने से इनकार कर दिया है, इसीलिए दिल्ली में कोवैक्सीन का टीका नहीं लग सकता। और इसी तरह महाराष्ट्र सरकार ने भी वैक्सीन की कमी का हवाला देकर 18 प्लस से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन को बंद किया गया है। बीएमसी ने 1 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है और इसी तरह राजस्थान सरकार ने भी विदेश से वैक्सीन मंगाने का फैसला किया है। आज जयपुर में मुफ्त में लगने वाला वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन इस बीच सबके लिए सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अगर वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करते, उन्हें बाहर नहीं भेजते, तो ये भारत के लोगों को लगाई जा सकती थी। वेबसाइट पर स्लॉट उपलब्ध नहीं, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टीके नहीं, राज्यों के पास वैक्सीन नहीं, हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सीन न होने के कारण अभी तक वैक्सीनेशन शायद शुरू भी नहीं हो पाया। कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के बीच भारत के सामने एक और संकट बढ़ता जा रहा है और वो है कोरोना के टीकों की किल्लत का। कई राज्यों ने अपने टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिए, कुछ ने 18 से 45 साल वालों का टीकाकरण अभी शुरू नहीं किया, वहीं कुछ राज्य अपने वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर रहे हैं। 18 to 44 का जो एज ग्रुप है, जिसमें 1 मई से महाराष्ट्र सरकार ने जो टीकाकरण शुरुआत किया था, उसको करीबन हम 5 लाख लोगों के ऊपर, 5-6 लाख लोगों के ऊपर टीकाकरण हुआ भी है, लेकिन उसको हमारे को आज एबियंस का मतलब है तुरंत स्थगित करना पड़ रहा है। कोवैक्सीन की सप्लाई तो उन्होंने मना कर ही दिया। हमारे पास में जितने भी रिजर्व था, जितना भी स्टॉक आया था, वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवैक्सीन के। जाहिर है महामारी के प्रकोप के बीच वैक्सीन की किल्लत अब एक राजनीतिक युद्ध में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और दूसरी तरफ है उन राज्यों की सरकारें जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं, जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल। सबसे अधिक विवाद है कोवैक्सीन को लेकर। भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर कम से कम 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीधे तौर पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें जगन मोहन ने पीएम मोदी से अपील की थी कि हम आपसे अपील करते हैं कि आप भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बनाने की तकनीक दूसरी कंपनियों को देने को कहें। इसके साथ साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को इस वायरस के स्ट्रेन को उन कंपनियों को उपलब्ध कराने के लिए कहें जो वैक्सीन बनाने में दिलचस्पी रखते हों या इसमें सक्षम हों। जगन मोहन रेड्डी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री से मांग की कि कोवैक्सीन बनाने का काम अन्य भारतीय कंपनियों को सौंपा जाए। ममता बनर्जी ने भी इसके लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख भेजी। मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूं, वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। वैक्सीन बनाने का फार्मूला सार्वजनिक करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सीन बनाना चाहती हैं और ये सुनिश्चित किया जाए कि भारत में जो भी प्लांट वैक्सीन बनाने में सक्षम है, उन सब में वैक्सीन का उत्पादन होना चाहिए।
केजरीवाल के बाद उनके डिप्टी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मैदान में आए। उन्होंने भारत बायोटेक को सीधे निशाने पर लेकर कहा कि वो देश हित के बजाय केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, वैक्सीन पर राजनीति हो रही है वगैरह वगैरह। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वी आर मेकिंग डिस्पैचेस एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि हम कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कहने पर डिस्पैचेस कर रहे हैं, राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। जाहिर सी बात है ये कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे। वी देयरफॉर सिंसियरली रिग्रेट दैट वी कैन नॉट मेक एनी एडिशनल सप्लाईज एज रिक्वायर्ड बाय यू। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अब उससे ज्यादा वैक्सीन दे ही नहीं सकते जितनी हमें कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब केंद्र सरकार कह रही है। कोवैक्सीन को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर आई सरकार के बचाव में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा मैदान में उतरे। उन्होंने राजनीति ना करने की अपील करते हुए कोवैक्सीन का फॉर्मूला ना शेयर करने की तकनीकी और वैज्ञानिक वजह बताने की कोशिश की। वैक्सीन के लिए कोई ट्रिप्स की आवश्यकता नहीं है, ये तो भारत बायोटेक जो है वो बनाती है, मतलब इंडिया की कंपनी है, लाइसेंस तो हमारे पास है और सबसे बड़ी बात है आईसीएमआर ने भारत बायोटेक के साथ मिलकर ये वैक्सीन बनाई है। तो क्या आईसीएमआर ये लाइसेंस दे सकती है, क्या हम इस फॉर्मूला को डिक्लेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अड़चन कहां है? अड़चन यहां है कि देखिए ये जो कोवैक्सीन है ये एक लिविंग वायरस को मार करके उसके बाद में साधारण शब्दों में ताकि आम जनता समझ सके, एक लिविंग वायरस को मार करके होल वायरस वैक्सीन प्रिपेयर होता है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो चाहिए वो होता है बायो सेफ्टी लेवल, अर्थात ये वायरस कहीं बाहर ना निकल जाए, ये वायरस कहीं एक आतंक न फैला दे, ये वायरस कहीं एक बड़े बीमारी का कारण न बन जाए। इसलिए उस वायरस को कंटेन करना पड़ता है और उसको जिसमें कंटेन करना पड़ता है वो बायो सेफ्टी लेवल कहलाता है और उसके सबसे लेवल हाई थर्ड लेवल की सेफ्टी की आवश्यकता होती है। संबित पात्रा से पहले खुद बायोटेक की सह संस्थापक और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा येल्ला ने ट्वीट करके कोवैक्सीन की सप्लाई में कमी के इल्जाम पर अफसोस जताते हुए अपनी सफाई दी। सुचित्रा येल्ला ने लिखा कि 10 मई 2021 को 18 राज्यों को कोवैक्सीन की छोटी छोटी खेप भेजी गई। ये सुनकर बहुत तकलीफ हुआ कि कुछ राज्य हमारे नियत को लेकर शिकायतें कर रहे हैं। हमारे 50 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं, फिर भी हम इस महामारी और लॉकडाउन के दौरान सातों दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं। सुचित्रा येल्ला ने अपने ट्वीट में ये जानकारी भी दी कि उनकी कंपनी ने किन 18 राज्यों को कोवैक्सीन की ताजा खेप भेजी है। इन राज्यों के नाम हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। हालांकि भारत बायोटेक की ज्वाइंट एमडी सुचित्रा ने यह साफ नहीं किया कि इन राज्यों को वैक्सीन की कितनी डोज भेजी गई है। इससे पहले सुचित्रा येल्ला ने 8 मई को अपने ट्वीट में उन 14 राज्यों के नाम बताए थे जिन्हें भारत सरकार के निर्देश पर कोवैक्सीन सीधे भेजनी शुरू की गई। देश में वैक्सीन की किल्लत के बीच कोवैक्सीन को लेकर हो रहा यह विवाद निश्चित रूप से कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने वाला है, लेकिन देश के लोगों को यह जानने का भी अधिकार है कि आखिर कोवैक्सीन को लेकर यह विवाद क्यों हो रहा है और अगर भारत बायोटेक कोवैक्सीन का अधिक उत्पादन नहीं कर पा रही तो दूसरी दवा कंपनियां कोवैक्सीन क्यों नहीं बना सकती। पहले तो आपको कोवैक्सीन की बुनियादी बातें समझनी होंगी, तब इसके विवाद को समझना आसान होगा। कोवैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है जिसे सरकार ने मंजूरी दी है। ये वैक्सीन भारत बायोटेक और सरकार के संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर विकसित की है। कोवैक्सीन दुनिया की उन गिनी चुनी कोरोना वैक्सीन में से एक है जो इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस से बनी है, यानी ये वैक्सीन कोरोना वायरस को कमजोर या इनएक्टिवेट करके उनसे तैयार की गई है। ये इनएक्टिवेटेड वायरस भारत बायोटेक को पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नाम के एक और सरकारी संस्थान ने उपलब्ध कराए हैं। कोवैक्सीन को बनाने का एक्सक्लूसिव लाइसेंस भारत बायोटेक के पास है। विपक्षी दलों का कहना है कि चूंकि कोवैक्सीन को एक सार्वजनिक संस्था आईसीएमआर के साथ मिलकर विकसित किया गया है तो इसका फॉर्मूला अन्य भारतीय कंपनियों से शेयर किया जाए जिससे कोवैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जा सके, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं।
कोई भी वैक्सीन डेवलप करने वाली कंपनी या संस्था को उसका पेटेंट मिल जाता है। पेटेंट के तहत वैक्सीन बनाने का एक्सक्लूसिव अधिकार उसी के पास होता है। वैक्सीन डेवलप करने वाली संस्था या कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टीके बनाने का लाइसेंस दे सकती है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन को इसी तरह ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका से मिले लाइसेंस के तहत बना रही है। इसी तरह रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी तीन भारतीय कंपनियां लाइसेंस समझौते के तहत बना रही है। अमेरिका की फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन कंपनियों की वैक्सीन भी भारतीय कंपनियां लाइसेंस पर बना रही हैं। क्योंकि कोवैक्सीन को विकसित करने में एक सरकारी संस्था का भी योगदान रहा है, इसलिए इसका फॉर्मूला दूसरी भारतीय कंपनियों से शेयर करने की मांग की जा रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि ऐसा करना मुमकिन नहीं। पेनेशिया एक कंपनी है, उसके पास भी ये बायोटेक जो सेफ्टी का विषय है, जो बायो सेफ्टी लेवल 3 है, वो उसके पास है। भारत सरकार ने इन दोनों कंपनियों को बैठा करके, किनको, भारत बायोटेक को और पेनेशिया को बैठा करके बात की है कि आप दोनों किसी भी कीमत पे मिल करके आप प्रोडक्शन बढ़ाओ। दोनों में बातचीत चल रही है, यथाशीघ्र इस पे हम आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ और एक बड़ा विषय हुआ है, यह हुआ है कि 3-4 जो पीएसयूज हैं, उन पीएसयूज को भी भारत सरकार और आईसीएमआर ने खास करके उनको कहा है कि आप कोवैक्सीन का जो है निर्माण बढ़ाइए, प्रोडक्शन बढ़ाइए। भारत में कोरोना का टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी को बड़े जोर शोर से लॉन्च किया गया था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कहा गया। भारत ने पहले जुलाई अगस्त तक प्राथमिकता देने वाले 30 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा था। इसके लिए कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन को भी मंजूरी दी गई थी, जबकि उस समय कोवैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल चल रहे थे। कोवैक्सीन को लेकर विवाद उसी समय से शुरू हो गया था। सवाल उठे कि फेज 3 के ट्रायल पूरे हुए बिना कोवैक्सीन को कैसे मंजूरी दे दी गई। पहले फेज में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए 60 करोड़ खुराक की जरूरत थी, मगर भारत ने अपने यहाँ टीका लगाना शुरू करने के साथ ही वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत दूसरे देशों को भी कोरोना वैक्सीन देने शुरू कर दी। वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत कोरोना की 6.6 करोड़ वैक्सीन दूसरे देशों को दी गई। इनमें से कुछ हिस्सा सरकार ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों को मदद के तौर पर दिया था, तो बाकी की खुराक कंपनियों ने पहले से हुए समझौते के तहत दी थी। मार्च के अंत में कोरोना की सेकेंड वेव को बढ़ता देख सरकार ने 1 अप्रैल से 45 साल की अधिक उम्र के लोगों के लिए भी कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया। और जैसे जैसे सेकेंड वेव भयंकर होती गई, तो दबाव में आकर सरकार ने 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन देने को हरी झंडी दे दी। जबकि उस समय तक देश के कई राज्य टीकों की कमी की शिकायत करने लगे थे। केंद्र सरकार का कहना है कि वो राज्यों को 18 करोड़ कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करा चुकी है। वहीं अगर हम मई से जुलाई के बीच भारत में टीकों की उपलब्धता की बात करें, तो इस दौरान सेंटर को कोविशील्ड की 12.2 करोड़ और कोवैक्सीन की 6.1 करोड़ डोज मिलेगी। इसके अलावा मई से जुलाई के दौरान राज्यों को सीधे कोविशील्ड की 11 करोड़ और कोवैक्सीन की 9 करोड़ खुराक मिलेगी। मई से जुलाई के दौरान देश को कोविशील्ड की 23.2 करोड़ और कोवैक्सीन की 9 करोड़ डोज मिलेगी। यानी इन 3 महीनों में भारत के पास लगाने के लिए कोरोना के 33.34 करोड़ टीके होंगे। इनसे करीब 16 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज दी जा सकती है। पर सेकेंड वेव के कहर को देखते हुए राज्यों ने भी वैक्सीनेशन तेज किया है और टीके लगवाने के लिए लोग अब हिचक छोड़कर आ रहे हैं। इससे टीकों की भारी मांग हो गई है। दिल्ली और आंध्र प्रदेश ही नहीं, कई अन्य राज्यों में भी कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है। कोवैक्सीन कम ही आ रही है, लेकिन वो पूरे देश में प्रॉब्लम है। जैसे जैसे हमारे पास वैक्सीन पाए जाते हैं, वैसे वैसे हम देते भी है। अभी भी साइन हॉस्पिटल में जो वैक्सीनेशन सेंटर चालू किए है, वो जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको भी दे रहे, और जो इनका सेकेंड डोज है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनको भी दे रहे। मैं अभी हमारे मुख्यमंत्री पंतप्रधान सम्मानीय नरेंद्र मोदी सर के साथ बात करें, आरोग्य जो उनका मंत्रालय है उधर भी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये 2-3 दिन में वो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। टीके ना होने के चलते कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र के कई टीकाकरण केंद्रों से लोगों को लौटाया जा रहा है। मेरा बेटा रिलायंस में है, उसने मुझे 3 बार करके दिया। मैं 3 बार इधर आके गई, एक दिन वैक्सीन खत्म हो गया था, एक दिन 400 लोग उधर थे इधर से, मैं इतना टाइम खड़ा नहीं रह सकती है। अभी तीसरी बार आई तो उसने बोला रजिस्टर करके ले लो मोबाइल से, तो मेरे बेटे ने ये मुझे करके दिया और उनको बोला डेट नहीं दिया क्योंकि आपका लस कभी भी खत्म हो जाता है, इसके लिए डेट नहीं दिया। अपॉइंटमेंट तो देते ही नहीं है, कितना भी करते खाली डेट देते, 12-5 का डेट है तुम्हारा, 12-5 का ले लो,
लेकिन इधर आते तो पुट्टे के अपॉइंटमेंट नहीं है तो हम लोग नहीं दे सकते कोवैक्सीन के लिए, सेकेंड डोज मेरे हस्बैंड के लिए। 30th को उनका ड्यू था, मिलता ही नहीं है। 30 तारीख से लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कल भी आए थे तो टोकन ऑलरेडी खत्म हो गया था, फिर आज आए तो अभी टोकन मिला है। 12 दिन लेट, मैं कहाँ पे मैंने फोन किया, लास्ट में मैंने कोविन के इसमें से एक हेल्पलाइन पे फोन किया तो उन लोग बोला यहाँ जाके देखो। मैंने उन लोग बोले रजिस्टर करो, कहाँ से रजिस्टर करेंगे। वैक्सीन की ये किल्लत देखते हुए कई राज्य ये मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार अन्य देशों से कोरोना की वैक्सीन मंगवाए। यूपी और तेलंगाना जैसे कई राज्य इसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर चुके हैं, तो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से इसके लिए वैक्सीन खरीदने के प्रोटोकॉल में रियायत देने की मांग की है। प्रॉब्लम है कि वैक्सीन सप्लाई, तो उसमें स्टेट्स एंड सेंटर हैव टू कम टुगेदर, और ये जो बाहर से वैक्सीन आ रहा है उसके लिए जो कैटेगरीज है, डिफरेंट कंपनीज है, उसका अप्रूवल है। जॉनसन एंड जॉनसन वांट्स टू कम इन, और ये जो टाइप है, जो टाइप जितना जल्दी हो पाए उतना हमको ट्राई करना पड़ेगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, सीरम इंडिया से बाहर जाके अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और उनको भी थोड़ा सा जो भी फ्लेक्सिबिलिटी हो स्टेट्स को वगैरह, वो वहाँ पर देने की ज़रूरत है। वहीं केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जो वैक्सीन वो राज्य सरकारों को सीधे तौर पर उपलब्ध करा रही है उसका 70% हिस्सा 45 प्लस लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने जो हलफनामा दिया था उसके मुताबिक मई महीने में कोरोना के टीके कुल 8.5 करोड़ डोज कंपनियां उपलब्ध कराएंगी। इसमें से 6.5 करोड़ कोविशील्ड होगी तो 2 करोड़ कोवैक्सीन होगी। फॉर्मूले के तहत इनमें से आधी वैक्सीन केंद्र सरकार के खाते में जाएगी तो 25% वैक्सीन राज्यों को मिलेगी जो वो 18 से 44 साल वालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी की 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को मिलेगी। जुलाई महीने से देश में कोरोना के टीकों की उपलब्धता बढ़ने की संभावना है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में बताया है कि तो 1 मई से वह प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई और फिर उसके लिए सरकार ने जिस प्रकार से सारे तरफ से सुझाव आते थे उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी को रिवाइज किया और सारी प्रोडक्शन का आधा हिस्सा भारत सरकार ने 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए खरीदकर और स्टेट्स के लिए उपलब्ध कराना प्रारंभ किया। और इस पूरी प्रक्रिया में पूरे देश में सरकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से सारे देश के 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन निशुल्क उपलब्ध कराई जाती थी। सीरम इंस्टीट्यूट इस समय हर महीने कोविशील्ड वैक्सीन की 6.5 करोड़ खुराक बना रहा है जो जुलाई के अंत तक बढ़कर 10 करोड़ डोज तक हो जाएंगी। भारत बायोटेक इस समय हर महीने 2 करोड़ कोवैक्सीन बना रहा है, जुलाई तक वो हर महीने 5.5 करोड़ वैक्सीन बनाने लगेगा। रूस के स्पुतनिक वैक्सीन बनाने वाली डॉक्टर रेड्डीज लैब और दूसरी कंपनियां इस समय करीब 3 लाख स्पुतनिक वी वैक्सीन बना रही है, जुलाई तक वो 1.2 करोड़ खुराक बनाने लगेंगी। यानी भारत में वैक्सीन बनाने की कुल क्षमता जो अभी 8.53 करोड़ डोज है वो जुलाई के अंत तक लगभग 2 गुनी यानी 16.7 करोड़ डोज पहुंच जाएंगी। यानी जुलाई तक देश में वैक्सीन की कमी बने रहने की आशंका है। हालांकि सरकार ने कोरोना के उन टीकों को भी मंजूरी देने का फैसला किया है जिन्हें यूरोप और अमेरिका में मंजूरी मिल चुकी है। इससे देश को फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन के कोरोना टीके भी मिलने का रास्ता खुला है। इसके लिए कई राज्यों ने टीकों के लिए ग्लोबल टेंडर फ्लोट किए हैं। वहीं अमेरिका ने भी कोविशील्ड की बची हुई 2 करोड़ खुराक भारत को देने का वादा किया है। इसके अलावा कुछ और टीके हैं जिनका ट्रायल देश में चल रहा है। इनमें जायडस कैडिला की जाइको डी, भारतीय कंपनी बायोलॉजिकल ई और अमेरिकी कंपनी डायनावैक और वेल्लोर कॉलेज ऑफ वैक्सीन का टीका। बायोलॉजिकल ई अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन का टीका भी बना रही है। पुणे की जेनेवा और अमेरिका की एचडीटी बायोटेक कॉर्पोरेशन की साझा वैक्सीन HGCO19, भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट और अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स का साझा टीका शामिल है। आगे चलकर इन सभी टीकों को मंजूरी मिलने और कुछ विदेशी वैक्सीन के भारत में आने से कोरोना के टीकों का ये संकट खत्म होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।